नमस्कार दोस्तों। और चलिए आज मैं आपको कराता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे जो चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारा जो इंसर्ट मेन्यू लिंक तक हो चुका है। आगे चलते हैं हेडर फुटर एंड पेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ भी जितना भी हम टाइप कर सकते हैं, अभी शॉर्टकट से मैं टाइप करूँगा। तो ये देखिए रहा है मेरा लेसन, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरे पास काफ़ी पेज हो चुके हैं लिखाई के लिए। अब शुरू करते हैं काम। तो देखिए हेडर फुटर हम कैसे लगाते हैं। हेडर मतलब जो पेज के टॉप में लगता है, और फुटर जो पेज के बॉटम में लगता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपके पास चाहे कितने पेज हो, आप सभी में एक पेज पे अगर हेडर फुटर लगाते हैं तो सभी पे ऑटोमेटिकली लगेंगे। तो चलिए हेडर फुटर जाते हैं, ठीक है। तो हेडर के ऊपर क्लिक किया, जैसे हमने हेडर के ऊपर क्लिक किया तो ये हेडर के जो डिजाइन स्टाइल दिखाई देगा, चार स्टाइल है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी देता हूँ, मैंने ये लेसन का नाम दे दिया। और जैसे मैं या तो क्लोज करता हूँ या फिर एस्केप या फिर डबल क्लिक यहाँ पे, तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये लग गया हेडर, और हर एक पेज के ऊपर आप देख सकते हैं इसको हेडर लगा हुआ है। देखो हर एक पेज के ऊपर हेडर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बताते हैं फुटर कैसे लगाते हैं। इंसर्ट पेज और फुटर के ऊपर जाकर फुटर लगा सकते हैं यहाँ से। तो ये भी यहाँ से भी हम फुटर को जो डिजाइन है 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ये लिया था, तो मैं अब की बार भी इसी स्टाइल का लेता हूँ, ठीक है। तो ये लग गया फुटर। टेक्स्ट यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। और डबल क्लिक या फिर एस्केप, तो देखिए फुटर सब पेज भी निकल लगेगा, और किस साथ और साथ के साथ ही पेज नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर इनको हटाना है हेडर या फुटर को, तो एक सिंपल सा फार्मूला है। आप वापस जाइए, इंसर्ट में जाइए, हेडर पे जाइए, हेडर हटाना है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं हेडर को, दो दो ऑप्शन हमारे पास, या तो इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओके, क्लोज कर दीजिए, वापस जाइए। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं हेडर, फुटर को हटाने का सेम तरीका, डबल क्लिक कीजिए, हेडर हटाना है हेडर पे। अगर आप चाहते हैं फोटो को चेंज करना, तो फोटो पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, या फिर एस्केप बटन दबाइए। बाद आप यहाँ से जाके ये ऑप्शन में जाके एडिट हेडर कर सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से रिमूव हो गया, अब मेरे पास सिर्फ फुटर बचा हुआ, और मैं चाहता हूँ फुटर को भी रिमूव करना। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट कर सकता हूँ, अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ओके। चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा हेडर और फुटर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला ऑप्शन है हमारे पास पेज नंबर। पेज नंबर कैसे लगाते हैं, देखिए हर पेज का सेक्शन होता है टॉप बॉटम मार्जिन। हर पेज में टॉप ओके बॉटम और जो मार्जिन है ये साइड वाला, यहाँ पे हम इनका पेज का नंबर देख सकते हैं कहीं भी। तो देखिए जैसे हम पेज नंबर को क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कहाँ लगाना है आपको, टॉप में। अगर टॉप में लगाना है तो लेफ्ट में लगाना है, सेंटर में फिर, या राइट में, या फिर ये स्टाइल देना है पेज, ठीक है, एसेंट बार में। तो हम इनमें से कोई भी चूज कर लेते हैं। बेसिकली हम ज़्यादातर ये चूज करते हैं, ठीक है, पेज प्लान नंबर 3 पेज का। तो ये लेते हैं, मान लो यहाँ पे दे दिया नंबर, डबल क्लिक करते हैं, पेज एक्टिव हो गया। ये 1 नंबर 2 हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगा पेज नंबर, ठीक है। तो इसको सेम तरीका है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। और बाकी देखिए बॉटम ऑफ द पेज, आपका पेज के नीचे नंबर लेना है, पेज की मार्जिन में लेना, करंट पोजिशन में लेना, जहाँ पर भी, ठीक है, ओके। तो रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला सेक्शन है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में देखिए टेक्स्ट बॉक्स, अगर हम किसी चीज़ को हाईलाइट करके शो ऑफ करना चाहते हैं तब हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, इतने मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट बॉक्स ली, ठीक है, और मैं इसमें कुछ स्पेशल, देखो ये मेरा जो अलग से हाईलाइट होकर दिखा रहा है टेक्स्ट बॉक्स। अगर मैं चाहता हूँ सेकेंड में यहाँ पे, या फिर चलो यहीं पे लगाते हैं,
तो टेक्स्ट बॉक्स दूसरा लगाना है, तो मैं यहाँ से ये लगा सकता हूँ। ये किस लिए था, इसमें हम टेक्स्ट को कुछ स्पेशल हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, देखिए जैसे, ठीक है, मतलब एक स्पेशल तरीके से उसको दिखा सकता कि पढ़ने वाला का ध्यान स्पेशल इसके ऊपर ज़्यादा जाए, ठीक है, तो इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, और जैसे टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, ठीक, तो अब आगे देखिए, आगे तक क्विक पार्ट्स। अब क्विक पार्ट्स में वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका यूज बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है। तो देखिए, इंसर्ट क्विक पार्ट्स, पहले हम वो जगह सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें क्विक पार्ट्स लेने हैं। मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डालने क्विक पार्ट्स। तो यहाँ देखिए, क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट में होता है कंप्यूटर का नेम वगैरह अगर आप देते हैं, जैसे ये मैंने दे रखा है ऑटो टेक्स्ट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, जैसे मैं देना ऑथर कैटेगरी डॉक्यूमेंट, मान लो मुझे किसी कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है, ठीक है, तो ये कंपनी का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। चलिए अगला बताता हूँ आपको, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हमने पहले किया था इंसर्ट में कवर पेज, उसी टाइप का एक है ये है डॉक्यूमेंट टाइप, अगर आप जिस तरीके की भी आप लेना चाहते हो उसको इंसर्ट कर दीजिए, आपके पेज में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखिए, ठीक है, ये आपके पेज में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और ये फर्स्ट पेज पे ही ऐड होगा, आप चाहे बेशक किसी पेज के ऊपर हो, ठीक है। तो चलिए अगला सेक्शन करते हैं, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला सेक्शन है वर्ड आर्ट। अब देखिए, वर्ड आर्ट मतलब आप ये कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, टाइप कर लेता हूँ वर्ड, तो देखिए जैसे वर्ड आर्ट मैं लेता हूँ, यहाँ से ये स्टाइल है वर्ड आर्ट के, अभी इसको कोई भी ले सकते हैं। चलिए मैं ये वाला लेता हूँ, पहले ये ले लीजिए, हेलो इंडिया, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, ये नहीं रख सकता हूँ कहीं भी, देखिए, तो यहाँ से लाइन से पकड़िए और उसको आप जहाँ भी रखना चाहे वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं वर्ड आर्ट से। और भी तरीके हैं, और भी डिजाइन आप ले सकते हैं इसी तरीके से वर्ड आर्ट, ठीक है, स्टाइल आप यहाँ से और भी स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ से काफ़ी स्टाइल है जो है यहाँ से आप, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी स्टाइल दे सकते हैं। तो चलिए अगला सेक्शन पे चलते हैं। अब आता है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप बेसिकली यूज कहाँ होता है, ड्रॉप कैप बेसिकली अखबारों में यूज होता है, ठीक है, तो हम वो चीज़ देखिए, जैसे ड्रॉप कैप ले लिया, देखिए एक होता है ड्रॉप्ड और एक होता है इन मार्जिन। ड्रॉप्ड मतलब जैसे ड्रॉप्ड अभी मैंने लिया है, ये क्या है, यहीं पे है लाइन में, तीन लाइनों के ऊपर आएगा। अगर अब लेते हैं इन मार्जिन तो वो यहाँ आएगा, जैसे मैं एम को करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए इन मार्जिन, ये इन मार्जिन और ये ड्रॉप्ड, लेकिन इन मार्जिन इतना एक्यूरेसी मीन अच्छा नहीं लगता, तो हम यही यूज करते हैं ज़्यादातर, कर सकते हैं ये भी लेकिन ये सही लगता है, ठीक है, तो हो गया ड्रॉप्ड। अगर हम इसको चाहें एम को भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये रहा हमारा ड्रॉप डाउन, ड्रॉप मेन्यू, ठीक है, सॉरी। तो चलते हैं अगले सेक्शन पर, अगली जो हमारा काम है, अब हम बात करते हैं सिग्नेचर लाइन, ठीक है। सिग्नेचर लाइन में क्या होता है, सिग्नेचर लाइन मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन लिख रखी है, ठीक है, आप किसी की सिग्नेचर लेना चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप सिग्नेचर लाइन अलग से डलवा सकते हैं उसके ऊपर। जैसे सिग्नेचर लाइन पे गए, यहाँ पे लिखा और ठीक है, यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैं मैंने नाम टाइप किया, यहाँ पे मैं उसकी सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल यहाँ पे देता हूँ, जैसे मैनेजर है कोई बैंक का,
उसके सिग्नेचर लेने हैं। सॉरी यहाँ पर चल गए, कोई बात नहीं, मैं इसको उठा के वापिस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सिग्नेचर, इसको बोलते हैं सिग्नेचर लाइन डालना। ठीक है, उसके बाद आप डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। जैसे आपको डेट एंड टाइम डालना है, आप यहाँ से डाल सकते हैं। ट्यूजडे जैसे याद है 10 जनवरी 2017, तो आप इसको डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। स्टाइल है, आप टाइम ले सकते हैं साथ में, या फिर आपको डेट का जो बड़ा छोटा जो स्टाइल है वो कोई भी चूज कर सकते हैं। जस्ट ये डाल देते हैं हम। ओके, तो ये हो गया डेट, सॉरी यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वो डेट डालने का तरीका। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलते हैं अगले सेक्शन पर। अगला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स आप जो काम एमएस वर्ड में नहीं कर सकते वो काम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू करके आप इसमें लेके आ सकते हैं कोई भी काम। हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट नाम का एक जो है एक मेन्यू होता है उसके अंदर। ठीक है, आप मान लो आपको किसी फोटोशॉप का काम करना है, इलस्ट्रेटर का काम करना है, ठीक है, कॉलर का काम करना है, तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, आपको जरूरी पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करेगा, तभी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें काम करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से बता, मान लीजिए आपको कोई फोटो का काम करना है, आप वर्ड में, आप वर्ड पैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम नहीं कर सकते, तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जाइए, अडोब फोटोशॉप खोलिए, ये है जैसे, इसको खोलिए और वहाँ पे आप फोटो का काम, फोटो की एडिटिंग करके वापिस यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से बंद करता हूँ आपको। अब आपको स्पेशल एक चैप्टर में मैं बताऊँगा कि आप ऑब्जेक्ट को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो तब तक लिए आप ये करके देखिए। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा जो वीडियो है जो पसंद आया होगा, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मेरा पेज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। ठीक है।